यूपी के हापुड़ में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक ही समुदाय के दो पक्ष बच्चों के मामूली विवाद में आमने सामने आ गए। मामला धौलाना थाना क्षेत्र के दहरा गांव का है, जहां विवाद में जमकर पथराव और अवैध हथियारों से फायरिंग हुई, जिसमें दो युवकों को गोली लग गई। घायलों को इलाज के लिए मेरठ रेफर किया गया है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने दो अवैध हथियारों सहित दोनों पक्षों के पांच लोगों को हिरासत में ले लिया है और मामले की जांच में जुट गई है। घटना हुई है, मैं रास्ते में ही बैठा हुआ था अपने घेर में। वो लड़का मेरा चाचा का लड़का निकला जा रहा था अकेला, और जब निकला जा रहा था वो लड़का तो उससे जो है नौसाद, ये हिस्ट्री सीटर है, और एक गुल्लू इसका भाई, एक रुस्तम और आबिद रोहबार, ये जो हैं इससे लिपट गए। वो लड़का पीटा बहुत ज़्यादा, जब पीटा से उसने जाके वहाँ से ईंट बजा दी ऊपर से। इन्होंने निकाल के हथियार, जो पुलिस ने हथियार बरामद करे हैं, राइफलें, बंदूक, तमंचे जो पुलिस ने बरामद करे हैं, वो इन्होंने उनसे इतने साले अस्त्र से उन्होंने गोली चला दी। वो गोली लगी उसके बेटे के, मेरा लड़का तो डॉक्टर आसिफ के यहाँ रहता था। ये आज थाना धौलाना क्षेत्र के गांव देहरा में देर शाम बच्चों के एक विवाद में एक ही परिवार के दो पक्षों के बीच मारपीट की, झगड़े की घटना हुई थी, जिसकी सूचना पर तत्काल थाना धौलाना पुलिस के द्वारा मौके पर पहुंचकर इसमें कार्रवाई की गई है। इसमें अभी तक की जो छानबीन के आधार पर जो जानकारी हुई है, इसमें बच्चों के विवाद में झगड़ा हुआ था। इसमें पुलिस के द्वारा तत्काल जो पीड़ित है, घायल है, उसको अस्पताल भिजवाया गया है। वहाँ से उसे मेरठ उपचार के लिए रेफर किया गया है। साथ ही हमले में जो शामिल लोग थे उनमें से पांच को पुलिस के द्वारा हिरासत में ले लिया गया है। उनके कब्जे से दो नाजायज असलाह भी बरामद हुए हैं और इस संबंध में गहराई से जांच पड़ताल की जा रही है। थाने पर अभियोग पंजीकृत कर इसमें और वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। 100% प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। लाइव 24 मीडिया इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन। रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 9560464170।